हे नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। यदि दोस्तों आपकी गाड़ी का जो सीडी प्लेयर है वो पुराना है और आप उसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने ऑर्डिनरी से ओल्ड सीडी प्लेयर में किस तरीके से ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी दे सकते हैं। सो गाइज, आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। यदि आप अपनी सीडी प्लेयर को चेंज करते हैं तो तकरीबन ये मान लीजिए कि 3.5 से 4.5 हज़ार रुपये तक के बीच में सीडी प्लेयर आएगा जिसमें कि आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। लेकिन जो आजकल की नई कारें आ रही हैं उनमें तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी दी होती है, लेकिन जो नीचे की बेस मॉडल कार होती है उसमें म्यूजिक सिस्टम अलग से फिट कराना पड़ता है जिसमें कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं दी होती। सो गाइज, इसी तरीके का हमारे पास आज एक ब्लूटूथ है जो कि आपकी पुरानी कार को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकता है, ब्लूटूथ जो कि आपके कार के पुराने म्यूजिक सिस्टम को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे कि आप अपने फ़ोन को अपनी सीडी से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे और अपने म्यूजिक सिस्टम म्यूजिक और आप अपने म्यूजिक सुन पाओगे जो कि आपके फ़ोन में स्टोर है या फिर आप ऑनलाइन चलाकर भी देख पाओगे। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए इसमें एक माइक भी दिया हुआ है, कि कहने का मतलब है कि अगर आप अपने इस ब्लूटूथ को अपने ऑडियो सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और देन आपकी कोई कॉल आती है तो वो भी कॉल ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। अगर आप ऑटो कॉल कर दोगे एक या दो रिंग के बाद आपका जो फ़ोन है वो ऑटो पिक हो जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्टली बात भी कर पाओगे। जो आपकी आवाज़ है वो पीछे आपके स्पीकर में सुनाई देगी और जो आपकी आवाज़ है वो इस माइक के थ्रू यूजर तक चली जाएगी। तो हम आपको बताते हैं ये कहाँ से लिया है, कितने रुपये का है। दोस्तों ये मैंने 300 रुपये का ब्लूटूथ लिया था जो कि आपको किसी भी कार घर से मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों ये देखिए, एक इस तरीके का आपको 3.5mm का कनेक्टर मिलेगा, आपको ये ब्लूटूथ में कनेक्ट करना होगा। ये देखिए गाइस, आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर पाएंगे, देन आपको अपने ऑक्स केबल में इसको इंसर्ट करना होगा। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए क्या ना जो है वो बटन दिया हुआ है, जब आप इस बटन को दबाओगे तो यहाँ पर जो है वो लाइट जलने लगेगी जिससे कि आपका ब्लूटूथ काम करने लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ऑक्स में जाना होगा, जब ऑक्स में जाकर आप दबाओगे तो आपका ब्लूटूथ जो है वो आप लाइट जलने लगेगी, बहुत माइक्रो लाइट है तो शायद वो आपको यहाँ से नहीं दिखाई देगी लेकिन वो मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद आपको अपने फ़ोन को ऑन करना होगा, ऑन करने के बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा और ब्लूटूथ को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ब्लूटूथ ऑन, टर्निंग ऑन, देन ये देखिए ये ब्लू जो साउंड का नेम आ रहा है ये हमारा जो है वो ब्लूटूथ का ही नेम है एंड हमारा जो सिस्टम है वो अब कनेक्ट हो गया है। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक सॉन्ग प्ले किया, मैं इधर से आवाज़ बढ़ा देता हूँ एंड इधर से मैं इसकी आवाज़ बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट अगर इसको रोकना चाहोगे तो रुक जाएगा, अगर नेक्स्ट चलाना चाहोगे तो नेक्स्ट भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ब्लूटूथ जो है वो काम करेगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि गाइज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।